गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी मैथ्स की टीचर रहती है वो प्रीति को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाती हैं, बहुत डिटेल में समझाती हैं। प्रीति कुछ हद तक समझती है और कुछ नहीं समझती। जब वो बाहर निकलती है वो ये बोलती है कि ये लव वगैरह तो नहीं है, ये जस्ट अ फ्रेंडशिप जेलेसी है। और वहाँ पर मैथ्स की टीचर उसे कह रही रहती है कि ये लव जेलेसी है, नॉट अ फ्रेंडशिप जेलेसी। पर प्रीति ये चीज़ एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती है। अब उसके आगे जब प्रीति वहाँ से निकलती है तो वो अपने ख्यालों में खोई हुई रहती है, जैसे वो अपने आप को वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। जब वो वहाँ से निकलती है तो वो ग्राउंड पे जाती है, क्योंकि ये उनका पीरियड होता है, गेम्स पीरियड रहता है। तो जब वो ग्राउंड पे जाती है तो वो देखती है कि चाहत वैदेही के साथ बातें कर रही है, और जो वैदेही है वो उसके एकदम क्लोज आकर, मतलब उसे एकदम क्लोज होकर वॉलीबॉल सिखा रही रहती है कि यहाँ पर आपको ऐसे पकड़ना है वगैरह। तो वैदेही पीछे खड़ी रहती है, उसकी बॉडी को टच कर रही रहती है, उसके हाथ को पकड़ रही रहती है और पोजीशन समझा रही रहती है उसके हाथ के पोजीशंस पकड़ के। तो ये सब देखकर प्रीति को तो इतना गुस्सा आ रहा रहता है, और एक अजीब सी बोलते ना कि वो जो थॉट फॉर्म्स में रहती है वो सारे एकदम से छोड़ देती है, और उसे इतना गुस्सा आ रहता है, उसका मन कर रहता है कि वो एकदम से प्रीति और वैदेही और चाहत को अलग करे और बोले कि ये क्या चल रहा है। पर वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसका हक नहीं रहता है। वो देखती है और दूसरी तरफ जो अनन्या है वो भी चाहत की तरफ घूर रही रहती है, और जो हमारी रिमझिम रहती है वो प्रीति की तरफ घूर रही रहती है। रिमझिम जो प्रीति रहती है उसकी बॉडी के लैंग्वेज को समझ रही रहती है, उसे समझ में सब कुछ आ रहा रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। थोड़ी देर में जैसी प्रीति ये सोचती है कि वो अनन्या को जाकर बोले कि ये क्या चल रहा है, तुम्हें बोला था ना मैंने कि तुम चाहत के साथ बातें करो वगैरह और वैदेही से दूर रखो उसको। पर वो जैसी प्रीति अनन्या के पास पहुँचती है, बैल रैंग हो जाती है और पीरियड ओवर हो जाता है। चाहत और वैदेही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और जो चाहत रहती है वो उसे बोलती है कि थैंक यू वैदेही मुझे ये सब सिखाने के लिए, एंड थैंक यू, आई रियली लव वॉलीबॉल, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वॉलीबॉल खेलना, और जिस तरीके से आप मुझे सिखाती हो वो तो काबिले तारीफ़ होती है। वैदेही बोलते हैं कि हाँ ठीक है, और जो वैदेही होती है वो थोड़ा दूर होकर एकदम से रिमझिम के पास जाती है और बोलती है देख तेरे कहने पर मैंने सब कुछ किया है, अब मुझे बता क्या हुआ है। तो रिमझिम मज़े लेते हुए वैदेही को बोलती है मेरी जान देखो इतनी जल्दी क्या है हर एक चीज़ जानने की, थोड़ा इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, और जिस तरीके से तेरी गोल गब्बू है उससे ज़्यादा मीठा होगा। तो प्रीति थोड़ी सी गोलू मोलू रहती है, मैंने आपको बताया है, तो उसी तरीके से वो उसे गोल गप्पू कहती है। तो वैदेही को अच्छा नहीं लगता है, वैदेही रिमझिम का हाथ पकड़ के बोलती है ओए यार उसे गोल गप्पू मत बोलना यार। तो कहती है क्यों, गोलू मोलू तो है, देख कितनी क्यूट सी डॉल की तरह दिखती है तेरी गोलू मोलू। तो कहती है यार वो मोटी नहीं है, ठीक है ना, तो तू उसको मोटी बोलना बंद कर। तो कहती है मैंने मोटी नहीं कहा, मैंने तो गोल गप्पू कहा है, रिमझिम कहती है। वैदेही कहती है यार मत बोलना यार, वो कितनी क्यूट सी है, देख ना कितनी क्यूट डॉल की तरह है, देख उसके चिक्स कितने क्यूट क्यूट से हैं, मतलब ऐसे कोई गाल अगर उसके पकड़े ना तो मतलब वो हेल्दी है थोड़ी सी, बट वो मोटी नहीं है, ओके। तो प्रीति कहती है ओ माय गॉड, रिमझिम कहती है ओ माय गॉड, मतलब प्यार इतने आसमान चढ़ के दिख रहा है कि कोई इंसान मोटा है तो वो मोटा नहीं दिखता। मैंने सुना था प्यार में सब लोग भूल जाते हैं पर अंधे भी हो जाते हैं, ये नहीं पता था। जो वैदेही रहती है वो एकदम से उसके पीठ पे जम के मुक्का मारती है और कहती है चुप कर, बहुत ज़्यादा बोलने लग गई। तो कहती है अरे रे ठीक है भाई, हमारी भाभी जान है, हम कुछ नहीं कहेंगे, पर गोलगप्पू तो है। और ये बोल के वो एकदम से भाग जाती है और भाग के क्लास में जारी रहती है। तो वैदेही उसके पीछे भागती है और बोलती है कि रुक रुक तेको बताती है, और प्रीति ये सब देख रही रहती है। प्रीति को ये बात भी अच्छी नहीं लगती है कि यार क्या है, कभी चाहत कभी रिमझिम, ये हरकतें ही ऐसी है। मतलब एक तरफ वो ये कहती है कि उसकी जस्ट फ्रेंडशिप है, और एक तरफ उसे जेलसी एज अ लवर हो रही रहती है। बहुत उसको गुस्सा आ रहा रहता है पर वो कुछ कर नहीं सकती है। अनन्या का भी मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है क्योंकि उसने सोचा था कि ये गेम्स पीरियड टाइम है, वो चाहत से बात करेगी। तो नेक्स्ट पीरियड होता है जैसी कि जो अनन्या रहती है वो बोलती है कि निशांत को
कि यार तुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुझे अगर अपना रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है तो तुझे आज तक इसके साथ कुछ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए? तो कहता है, हाँ यार बिताना तो चाहता हूँ पर बिता तो रहा हूँ यार, इससे ज़्यादा और क्या बिताऊँ। तो कहता है, नहीं, तुझे क्लास में उसके साथ बैठना चाहिए। तो कहते हैं, अगर मैं उसके साथ बैठूंगा तो चाहत कहाँ बैठेगी? तो कहती है, मेरे साथ। तो कहती है, और तू किसके साथ बैठेगी? तू तो प्रीति के साथ बैठती है। तो कहती है, अरे प्रीति काफ़ी एडजस्टेबल है, वो एडजस्ट कर लेगी। तो तू एक काम कर ना, तू अभी चाहत की जाके सीट पे बैठ जा, चाहत को बोल तेरी सीट पे आ जाए, और विवेक को बोल तू वो पीछे चली जाए, और मैं अनन्या के साथ बैठ जाऊँ, मतलब मैं चाहत के साथ बैठ जाऊँ, प्लीज़ कुछ करना यार। तो कहता है, यार तेरे को इतना ज़्यादा मेरी लव स्टोरी के लिए इतना सपोर्टिव देख के मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तो वो कहती है, मुझे अनन्या सॉरी मुझे चाहत से बात करनी है, बात ख़त्म। तेरी लव स्टोरी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, प्रपोज करके चल रहा है ना तेरा सब कुछ, और सिर्फ क्लास का सिर्फ तू ही एक ऐसा बंदा है जिस जो कमिटेड है, बाकी हाँ सब सिंगल ही है। तो कहती है, अच्छा तेरे को चाहत से क्या बात करनी है बता। अरे यार गर्ल्स टॉक है ना, तुझे क्या करना है, तू बस मुझे उसके साथ बिठा देना प्लीज़। तो कहती है फिर प्रीति, तो कहती है प्रीति का वैसे भी मूड ऑफ है, अगर उसके बाजू में कोई नहीं भी बैठेगा ना उससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, देख उसको। तो जब निशान देखता है प्रीति को, तो प्रीति थोड़ी गुस्से में रहती है और वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर रही है। तो अनन्या जाकर चाहत के बाजू में बैठ जाती है, और चाहत बोलती है कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आप जाकर प्रीति के साथ क्यों नहीं बैठी हैं? तो अनन्या बोलती है, चाहत मुझे आपके साथ बैठना था और मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, क्यों प्रॉब्लम है क्या? तो कहती है, नहीं ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझसे क्या बात करनी है? तो वो एकदम से कॉपी निकालती है और मैथ्स का कुछ सम रहते हैं, और बोलती है ये सम सॉल्व कर दो। तो वो कहती है कि जब तुम प्रॉपर के साथ बैठी हो, प्रीति है वहाँ सॉल्व करने के लिए, तो मेरी क्या ज़रूरत है? चाहत को उसका थोड़ा बिहेवियर अलग लगता है। तभी अनन्या कहती है, यार ठीक है ना प्रीति है तो है, बट आप नहीं सॉल्व कर सकते क्या? तो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लाओ मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही रहती, जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही रहती तो अनन्या सिर्फ और सिर्फ चाहत को देख रही रहती है। तभी चाहत बोलती है, लिसन तुम मुझे क्यों देख रही हो, कॉपी नीचे है। तो वो कहती है, अच्छा लिसन चाहत, अनन्या बोलती है। तो चाहत बोलती है, हाँ बोलो, क्या हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ बातें नहीं कर सकते हैं? क्या तुम मेरे साथ मस्ती मजाक नहीं कर सकती हो जो तुम वैधे के साथ करती हो? और तुम्हें वैधे के साथ मस्ती मजाक जैसे तुम वैधे के साथ मस्ती मजाक करती हो, क्या हमारे साथ नहीं कर सकती हो? ऐसा क्यों है? तो चाहत बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मस्ती मजाक सबके साथ करती हूँ, वैधे बहुत कूल है, आई मीन लाइक शी इज़ वेरी ऑसम, शी इज़ गुड, और सबसे बड़ी बात है उसे वॉलीबॉल आता है, उसे वॉलीबॉल बहुत अच्छे से आता है और मुझे वॉलीबॉल अच्छा लगता है इसलिए मैं उसके साथ रहती हूँ। तो अनन्या कहती है, अरे तो मुझे भी आता है वॉलीबॉल, मेरे साथ भी बात कर लिया करो। चाहत को थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये मुझे फोर्स क्यों कर रही है बात करने पे, पर फिर वो इतना ध्यान नहीं देती और कहती है, अनन्या क्या हो गया यार, वी आर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स हम एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर सकते हैं और हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, तो यस ऑफ कोर्स, पर तुम जानती हो ना मैं थोड़ी सी मूडी इंसान हूँ और थोड़ा नेचर मेरा अलग है, मैं ज़्यादा ग्रुपिज्म में बिलीव नहीं करती हूँ। तो अनन्या कहती है, मैं भी बिलीव नहीं करती हूँ ग्रुपिज्म में यार, चलेगा ना? तो वो कहती है, ठीक है, और वो एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं और हक करते हैं। तो जब वो हक कर रहे थे तो चाहत देखती है कि वैदे ही उसकी तरफ देख ही नहीं रही है, वैदे ही प्रीति की तरफ देख रही रहती है, और जो प्रीति है वो थोड़ी सी गुमसुम सी बैठी हुई रहती है, और उसको ऐसा लग रहा रहता है कि शायद प्रीति रोने ही वाली है, उसकी आंखों में इतने आंसू आ चुके रहते हैं। पर वो जैसी अनन्या और चाहत को हक करते हुए देखती है प्रीति, क्योंकि उसको एकदम से साइड होती है, तो वो देखती है कि अनन्या उसकी सीट पे नहीं है, तो वो देखती है ये कहाँ चली गई। तो वो देखती है तो उसे अच्छा लगता है कि अनन्या चाहत के साथ फ्रेंडशिप बढ़ा रही है, तो इसी बहाने वैधई और दूर रहेगी, और वो एकदम से टर्न होती है तो वैधई की तरफ देखती है, तो वैधई की नज़रें और प्रीति की नज़रें एक दूसरे से मिलती है, तो प्रीति को अच्छा लगता है और वैधई को भी काफ़ी अच्छा लगता है ये देख कर कि हाँ इसने तरफ देखा। लेकिन जब वैधई उसकी नज़रों को देख रही रहती है तो उसे ये लगता है कि ये शायद से रोने जैसा इसका मूड है।
क्लास ऐसी चल रही रहती है, लेक्चर हो जाते हैं, यहाँ पे आस्था और निशान भी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा लगे रहते हैं। पढ़ाई करते करते मूवमेंट्स जीते हैं, जैसे हमने सब ने स्कूल लाइफ में मस्ती करते करते अपनी पढ़ाई करी है। पीरियड ओवर हो जाता है और ऐसी और लेक्चर्स लगते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, स्कूल बैल रिंग हो जाती है, सब अपने अपने चले जाते हैं, जिन जिन का जहाँ जहाँ जाना रहता है चले जाते हैं। रिमझिम बोलती है कि प्रीति को छोड़ेगी ना घर, तो वैदी बोलती है कि हाँ यार ऑफ कोर्स छोड़ूंगी, वो तो मेरा ही काम है ना। तो कहती है हाँ तो जाना गोल गप्पू को छोड़ने। तो कहती है यार एक तो तू उसको गोल गप्पू बोलना बंद कर। तो कहती है यार देख, पहले ना फ्रेंड्स होते हैं, बाद में लवर्स होते हैं, ये बात याद रख। तो कहती है यार तुझे कभी मैंने, यार मैंने कभी मना किया है क्या? ऑफ कोर्स फ्रेंड्स कम फर्स्ट। तो कहती है एग्जैक्टली फ्रेंड्स कम फर्स्ट, तो गोलगप्पू है तो है, अब बात ख़त्म। तो वैदेही कुछ करती नहीं है, वैदेही शायद इसलिए भी नहीं बोलती है क्योंकि वो तो प्यार करती है पर अभी तक उसे अपने प्यार का एक्सेप्टेंस नहीं मिला रहता है। जब इंसान को प्यार का एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो वो शायद पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहता है, पर अभी तक तो वो हक नहीं मिला रहता है तो इसलिए वो चुप रहती है। फिर ये लोग का चले जाते हैं बाहर। जब वो खड़ी होती है तो वो अपनी स्कूटी लेकर आती है, प्रीति बैठती है, तो आज बैक मिरर से वैदेही काफ़ी ज़्यादा देख रही रहती है और वो उसकी जो लाल आंखें हो रही रहती है प्रीति की, तो वो एकदम से गाड़ी रोकती है और गाड़ी रोक कर बोलती है क्या हुआ है प्रीति, आंखें इतनी लाल क्यों हैं और ये रोने जैसी क्यों फेस बना के रखा है, तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्रीति उसकी तरफ देखती है और बोलती है अच्छा मैं रोती हूँ और मेरी इस सिचुएशन की जिम्मेदार कौन होती है, तुम। वो ये सब चीज़ें मन में बोल रही रहती है पर उसके सामने कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो कहती है आँखों में कुछ चला गया था इसलिए घर चलने लेट हो जाएंगे। तो कहती है ठीक है चलते हैं और वो घर उसको छोड़ देती है और वहाँ से अपने चली जाती है। इस बार प्रीति को कुछ बोलना रहता है पर वो नहीं बोलती है, उसे चिल्लाकर बोलना रहता है कि प्लीज़ चाहत से दूर रहा करो, वो तुम्हें टच करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा बोलना था पर वो अपने ही मन में ये सारी बातें रख के क्लास अंदर चली जाती। उसकी मम्मी बोलती हैं कि क्या हो गया है, आँखें इतनी लाल क्यों हैं, क्यों चीज़ कुछ लड़ाई वड़ाई की है या रोकर आई हो, क्या हो गया है प्रीति? तभी प्रीति कहती है कि मम्मा वो आँखों में कुछ चला गया था। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा ड्रॉप है मैं डाल दूँ क्या? तो वो बोलती है नहीं मम्मा ज़रूरत नहीं है, मैं आँख वॉश कर लूँगी सही हो जाएगा। वो जहाँ के आँखें वॉश कर लेती है और उसे उसको ऐसा लगता है कि उसका गुस्सा बहुत हाई हो रहा था तो अपनी स्ट्रेस बॉल निकालती है और उसके साथ कुश्ती लड़ती है हर बार जैसे उसकी स्ट्रेस बॉल हो जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी वैदेही रहती है अपने घर चली जाती है, घर जाती है नॉर्मल हो जाता है। फिर वो ऐसी समय बीत जाता है, फिर ट्यूशंस पढ़ाने आ जाती है, वो जाती है वैदेही उसे पिकअप करती है प्रीति को और वो लोग ट्यूशंस पढ़ने आते हैं। इस बार ऐसा हो गया था कि जो वैदेही रहती है बहुत सीरियसली पढ़ रही रहती है क्योंकि उसे ये बात समझ में आती है कि यार प्रीति एफर्ट्स तो कर रही है और अब जब हम लोग फ्रेंड्स हैं तो अब फ़िलहाल फ़र्क क्या पड़ता है, अब तो वो उसके साथ वैसी मस्ती भी नहीं करती थी। और जैसी अरुण जब उसके साथ मस्ती करता था तो वैदेही ऐसा होता था कि वो रोक देती थी, जब अरुण प्रीति के साथ मस्ती करता था तो वैदेही रोक देती थी और बोलती थी और जैसे वो अपना हक जताती थी प्रीति के ऊपर। पर इस बार वैदेही ने अपना हक बंद कर दिया था जताना क्योंकि जब ये हक तो प्रीति ने ही नहीं दिया था उसे और प्रीति ने तो कह दिया था वी आर जस्ट फ्रेंड्स एंड नथिंग एल्स, और तो वो फ्रेंड्स की तरह ही उसे ट्रीट करती थी नॉर्मल, जैसे वो रिमझिम के साथ बातें करती थी वो वैसी बात करती थी। पर रिमझिम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वैदेही की प्रीति जस्ट अ फ्रेंड थी। प्रीति को थोड़ी देर तक ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। ऐसे दिन बीत जाते हैं, रोज़ स्कूल में जाना ऐसे ही होता है, कम बातें होती हैं, नॉर्मल डेज चल रहे रहते हैं। वैदेही कम बात करती है प्रीति से, प्रीति कम बात करती है वैदेही से, लेकिन चाहत काफ़ी ज़्यादा बात करती है वैदेही से और चाहत के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताने लग जाती है वैदेही,
क्योंकि उसे रिमझिम ने भी कहा रहता है, और दूसरी चीज़ अब उसे वैदेही को चाहत के साथ मस्ती मजाक करने में अच्छा लग रहा रहता है। जब कहते हैं ना कि अगर हमारा दिल टूटा रहता है और उस बीच में अगर हमें कहीं और अच्छा दोस्त मिले तो हम उसके साथ कुछ ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, वही चीज़ उसके साथ हो रही रहती है। वो कुछ ज़्यादा समय चाहत के साथ बिता रही रहती है। यहाँ पर जो प्रीति रहती है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। एक तरफ वो अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है क्योंकि अब उसके दिमाग में कंपटीशन वाली फीलिंग्स आ जाती है कि अब उसे चाहत से बेस्ट करना है। दूसरी चीज़ वो प्रीति जो वैदेही को पढ़ाती थी लेकिन उसके साथ मस्ती मजाक नहीं होती थी, रोज़ आना जाना ऐसी लगा रहता है। करीब 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और फाइनली यूनिट टेस्ट का टाइम आ जाता है। यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, सब लोग यूनिट टेस्ट देने लगते हैं। तो प्रीति उन दिनों वैदेही को पढ़ाने नहीं जाती है क्योंकि यूनिट टेस्ट कंटिन्यूस रहते हैं, अगर वो पढ़ाने जाएगी तो वो नहीं दे पाएगी, तो वो नहीं पढ़ाती है। और यहाँ पे प्रीति जो अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, अनन्या अपनी लाइफ में मतलब अनन्या अपना पढ़ रही रहती है, सब अपना अपना स्टडीज़ कर रहे रहते हैं। वैदेही, रिमझिम और अरुण भी जितना प्रीति ने पढ़ाया रहता है उस पर फोकस करके सब स्टडीज़ करते हैं। फाइनली यूनिट टेस्ट को भी हुए हुए यूनिट टेस्ट ख़त्म हो जाते 1 वीक के अंदर, और ऐसी 1 वीक और बीत जाता है जब रिजल्ट का टाइम आता है। फाइनली रिजल्ट होता है, तो उन दिनों जब मैम रिजल्ट के बारे में बता रही रहती हैं तो जो फर्स्ट प्लेस पे आई हुई रहती है वो होती है प्रीति, सेकंड प्लेस पे चाहत आती है, थर्ड प्लेस पे अनन्या आती है, फोर्थ प्लेस पे निशांत आता है और फिफ्थ प्लेस पे आस्था आती है। तो जब सारी रैंकिंग होती है तो मैम काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं और प्रीति को फ्रंट में बुलाया जाता है क्लास के सामने और बोलती हैं कि प्रीति इज़ जस्ट अ टॉपर। तो चाहत उनकी तरफ देख रही रहती है लेकिन चाहत के अंदर कोई भी वो वाली फीलिंग्स नहीं रहती है कि कि आपने मुझे हरा दिया, क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं आती है। लेकिन प्रीति बहुत प्राउडली फील कर रही रहती है कि उसने चाहत को हरा दिया, क्योंकि जब से वैदेही चाहत के पास आई थी उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे किसी भी हाल में फर्स्ट आना है। और जब वो आती है तो काफ़ी खुश होती है, और जब सामने वैदेही उसे टॉपर होते हुए देखती है तो वो बहुत ज़्यादा क्लैप कर रही रहती है और बहुत खुश होती है। और ये देखकर जो चेहरे पे मुस्कान आती है प्रीति की वो प्राइसलेस होती है। शायद वो फीलिंग उसके लिए बेस्ट फीलिंग होती है कि उसने चाहत को हराया और जिसके लिए वैदेही ने उसके लिए क्लैप बजाई। ऐसा था नहीं कि प्रीति को कभी ये फीलिंग नहीं आई थी, वो हमेशा से टॉप करती थी या अच्छे मार्क्स लेकर आती थी, उसे कभी ये फीलिंग नहीं आई। उसे नॉर्मल लगता था कि हाँ ठीक है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी के लिए या किसी को प्रूव करने के लिए, और जब वो इंसान आपको अप्रिशिएट करता है, वो फीलिंग्स बेस्ट फीलिंग होती है जो प्रीति के अंदर आ रही रहती है। जब मैथ्स की टीचर ये अनाउंस करती हैं कि शी इज़ अ टॉपर ऑफ द क्लास एंड सेकंड टॉपर इज़ चाहत, एंड आई एम वेरी प्राउडली टू से दैट कि प्रीति आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, चाहत आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बस आप थोड़े से मार्क्स से पीछे रह गई हैं प्रीति से। तो वो कहती है इट्स ओके मैम, बट यस आई एम वेरी गुड कि प्रीति टॉप किया है और मुझे अच्छा लगा कि मुझे किसी ने कंपटीशन तो दिया है। तो प्रीति देखकर बोलती है कि अब तो कंपटीशन हमेशा से ही रहेगा ना, पहले नहीं था बट अब रहेगा। ये बात थोड़ी से वो मतलब बोलते ना टॉन्ट वे में या कुछ अलग तरीके से बोलती है। तो ये बात तो रिमझिम समझ जाती है, तो रिमझिम वैदेही को बोलती है तेरे लिए टॉप करा है उसने, तो वैदेही कहती है मेरे लिए, तो कहती है हाँ चाहत के साथ तेरी क्लोजनेस ज़्यादा हो रही है ना, तो वो हटाने के लिए उसने टॉप किया है तेरे को दिखाने के लिए कि टॉपर वो हो सकती है और कोई नहीं। तो वैदे ही बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि प्रीति ने टॉप किया है, और प्रीति डिजर्व करती है यार, वो हम अपन जैसे बैक बेंचर्स को पढ़ा के पास करा दिया उसने यार, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो हर चीज़ में। तो वैदे ही तभी रिमझिम कहती है हाँ हाँ
वो एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें वो ही अच्छी दिखती है, बट मुझे तो चाहत पसंद है यार, चाहत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और तेरी और चाहत की जोड़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है तुझे प्रीति को छोड़ के ना चाहत के को पटा लेना चाहिए। तो वैद्य ही बोलती है क्या मजाक है यार, यू नो आई लव प्रीति एंड आई एम वेरी सीरियस फॉर हर। चाहत और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं है। यार तू तो ऐसे मत बोल। ये बोल के ना वैदिक की थोड़ी आंखें भर आती है कि यार कोई तो मुझे समझे। वो वाली फीलिंग आ जाती है वैदिक के अंदर कि यार मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझे नहीं समझ रही है। मैं जेन्युइनली प्रीति से बहुत प्यार करती हूँ, बट मुझसे पूछो कितना मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना, हर एक चीज़ें करना, और बहुत सारा टफ होता है कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो आपको एज अ फ्रेंड की कैटेगरी में डाल रहा है और आपसे रोज़ बात करता है, आपके साथ रहता है, बट वो उस तरीके का बाउंडिंग अब नहीं रहा जो पहले रहता था। तो वो चीज़ जब आ जाती है ना, कुछ हद तक बहुत पेनफुल होता है, वही चीज़ चल रही रहती है और ये बहुत पेनफुल होता है। तो वैदेही समझ जाती है, रिमझिम समझ जाती है, और वो वैदेही का हाथ पकड़ के बोलती, मैं मजाक कर रही थी यार, आई नो यू आर सीरियस फॉर हर। तो कहती है हाँ, पर उसे थोड़ी ना पता है यार, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता है, चल छोड़। उतनी देर में मैम सारी रैंकिंग बताती हैं, सबके बारे में बताती हैं, टॉप टेंथ के बारे में बताती है, तो जो लास्ट में 10th नंबर होता है उसमें वो एकदम से बोल देती हैं कि वैदेही। तो वैदेही अपनी सीट से खड़े होके बोलती है, क्या मैं 10th आई हूँ? आई यू सीरियस यार, मैं पास होने पे बिलीव नहीं करती थी, मैं 10th आई हूँ। और फिर वो बोलती हैं, मैम खुद शॉक्ड हो जाती हैं, और मैम बोलती हैं, वैदेही तुम 10th आई हो? तो वो बोलती है हाँ मैम, मैं भी शॉक्ड हूँ, मैं 10th आई हूँ। तो वो बोलती है बाप रे, इतना चेंजेस कैसे, तुम पास हो जाती हो, बहुत बड़ी बात है, रैंक 10th, ये चमत्कार कैसे हो गया? वैदेही कहती है पता नहीं यार मैम कैसे हो गया। तो कहती है इस बार बहुत बहुत ज़्यादा स्टडीज करिए लगता है, बहुत स्ट्रिक्टली। तो वैदेही कहती है हाँ मैम वो करी तो है, बट आई एम शॉक्ड एक्चुअली। तो वहाँ पे मैम भी शॉक रहती है, यहाँ पे ये शॉक रहती है, पर प्रीति शॉक नहीं रहती है, प्रीति को पता रहता है कि ये चीज़ है, लेकिन चाहत काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रही रहती है कि वो उसने अच्छे खासे मतलब टॉप 10 में आई है। तभी मैम पूछती हैं, वैदी क्या तुम यहाँ पर आओगी? तो वो आती है वहाँ पर और बोलती है, ये बताओ तुम टॉप 10 में आ कैसे गई हो? जो इंसान पढ़ाई करता नहीं था, तुम पास हो जाती थी, यही काफ़ी था, बट इतना चेंजेस कैसे? तो वो कहती है मैम चेंजेस पता नहीं। तो कहती है तुमने स्टडीज़ इस बार बहुत अच्छे से करी थी इसका मतलब? तो कहती है हाँ। तो मतलब न्यू ट्यूशन वगैरह लगाई है क्या? तो कहती है नहीं मैम, एक्चुअली मुझे प्रीति ने पढ़ाया था, प्रीति ने मुझे पढ़ाया, रिमझिम को पढ़ाया और अरुण को पढ़ाया, एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ मैम, प्रीति इज़ ऑसम, और थैंक यू प्रीति जस्ट हेल्पिंग मी आउट, और हमें तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि हम पास होंगे, हमारे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था और मैं सीरियस भी नहीं थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने काफ़ी अच्छे से हमें पढ़ाया और हमारे लिए इतने एफर्ट्स करे, ये काबिले तारीफ़ है, एंड आई एम रियली रियली थैंक यू टू यू। और तो मैम प्रीति को बोलती है इधर आओ प्रीति, आपने पढ़ाया? तो प्रीति कहती है हाँ मैम। तो पूरी की पूरी क्लास दोनों के लिए क्लैप करती है, प्रीति के लिए इसलिए क्लैप करती है कि वो खुद भी टॉपर हुई और उसने कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को भी पढ़ा के किया, तो उसकी जो रेपुटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जब वैदेही उसे सबके सामने थैंक यू कहती है तो वो भी चीज़ होती है। यहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों को एक दूसरे के करीब मतलब पास पास खड़ा किया जाता है। तो जो वैदेही रहती है उसे ना प्रीति का हाथ पकड़ने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रही रहती है, जैसे वो उसके हैंड को होल्ड करे, और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीति रहती है उसकी भी इच्छा हो रही रहती है कि वैदेही प्लीज़ मेरे हाथ को होल्ड करो, मुझे हग करना है। तो प्रीति की उंगली जैसे ही वैदेही से टच होती है तो वैदेही थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है कि बाय चांस प्रीति गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि
क्योंकि दे आर ओनली फ्रेंड्स ना, तो ऐसा चलता है। और ये बात प्रीति को बुरी लगती है। क्लास ओवर हो जाती है और ऐसे ही फिर पीरियड चलते रहते हैं, और उसके बाद स्कूल ओवर हो जाता है। जब स्कूल ओवर हो जाता है तो जो प्रीति रहती है वो फैदे के साथ गाड़ी पे जाती है, तो एकदम से धचका जब लगता है तो वो एकदम से आ जाती है वैदे को और टाइटली हग कर लेती है। तो जो वैदे रहती है वो गाड़ी रोकती है और बोलती है, प्रीति तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? तो कहती है, नहीं वो हम तुम यू यू मतलब वो तुम मैं मतलब कुछ नहीं। तो कहती है, अच्छा मैं तुम्हारे क्लोज आ गई थी इसलिए? तो वो कहती है कि हाँ वो मेरा इंटेंशन नहीं था, मैंने मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया, वैदे कहती है थोड़ी हड़बड़ाहट में पैनिक होकर। तो प्रीति कहती है, इट्स ओके मुझे कोई इशू नहीं है। तो कहती है कि हाँ तो क्या हम एक दूसरे को हक नहीं कर सकते? प्रीति एकदम से वैदे को कहती है, तो वैदे कहती है, यार वो आपको पसंद नहीं है ना, और वी आर जस्ट अ फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स में ये सब कहाँ होता है कि हक करना हक करना। तो कहती है कि हक करना तो होता है ना, प्रीति कहती है। तो कहती है कि आप किसी को तो हक करती नहीं हो ना, आप अनन्या को कभी हक किया है ना कभी किसी फ्रेंड्स को हक किया है, तो मुझे क्यों हक करना है? आई एम योर जस्ट अ फ्रेंड नॉट अ स्पेशल वन। और मुझे ना आपको कुछ बोलना था। तो वो कहती है कि हाँ बोलो, प्रीति कहती है। तो वैदे कहती है, वो एक्चुअल में मुझे चाहत ने ये कहा कि प्रीति ने मुझे पढ़ाया था, पर नेक्स्ट टाइम से वो मुझे पढ़ा देगी, तो आप टेंशन ना लो। मतलब आपको थोड़ा लगता है ना, और आपको तो मेरे साथ अच्छा भी नहीं लगता है, आप थोड़ी कंफर्टेबल भी नहीं हो, तो चाहत मुझे बोल रही थी कि वो मुझे आगे से पढ़ा देगी। प्रीति का जो इतना प्यारा मूड होता है वो रोनी जैसी चेहरा हो जाता है, और उसकी आंखें अपने आप लाल होने लगती हैं, और वो थोड़ा गुस्से में भी आती है पर वो गुस्सा बताती नहीं है, कुछ चुप रहती है, और उसकी आंखों में से आंसू गिरने लग जाते हैं एकदम से। जब वैरी होती है वो उसकी आंखों में से आंसू गिरते हुए देखती है, तो वो उसको एकदम से पोंछती है, कहती है कि प्रीति क्या हुआ, प्रीति क्या हुआ है, आप बोलो तो, प्रीति प्लीज़ क्या हुआ है, मैंने ऐसा क्या कह दिया, प्रीति डिड आई हर्ट यू, प्रीति प्रीति प्लीज मुझे बताओ तो क्या हुआ है। प्रीति कहती है कि कुछ नहीं हुआ है वैदे, कुछ भी नहीं हुआ है, आप मुझे प्लीज घर छोड़ दोगे? तो कहती है, हाँ मैं घर छोड़ रही हूँ आपको। और ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, जो बैक मिरर से जो वैदे ही रहती है वो कंटिन्यूस देख रही रहती है, दो दो मिनट में मतलब गाड़ी चलाते हुए एक एक सेकंड में वो देख रही रहती है कि जो प्रीति है वो रो रही है, उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, उसकी आंखें एकदम लाल हो रही है। और दूसरी तरफ वैधी को समझ में नहीं आ रहा रहता है कि यार वो रो क्यों रही है, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मतलब एक तरफ तो वो ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती है ना, और ऐसी हालत हो जाती है। तो वो उसको छोड़ती है, और जो प्रीति अपने आँखों उसको पोंछती है उसकी लाल हो जाती है, तभी उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हो गया प्रीति, आँखें लाल क्यों है? तो वो कहती है कि नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ, और वो अपने रूम पर एकदम से भाग जाती है। तभी उसकी मॉम एकदम से पूछती है कि क्या हुआ है, क्या वो सेकेंड आई है या थर्ड आई है? तो वैदे ही कहती है, नहीं आंटी वो टॉप आई है, उसने फर्स्ट रैंक लाई है, उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो कहती है, उसने चाहत को पीछे छोड़ दिया? तो कहती है कि हाँ आंटी उसने चाहत को पीछे छोड़ दिया। बेटा तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा, प्रीति की मम्मी पूछती है। तो कहती है कि मैं टॉप 10 में आ गई, बहुत बड़ी बात है, प्रीति इज़ अ वेरी गुड टीचर, शी टॉट मी एवरीथिंग एंड। और कहती तुम्हारे दोस्तों का क्या हुआ? तो कहते वो 11th और 12th, उनकी 11th और 12th रैंक आई है।
तो कहते हैं अच्छी बात है। और ये बोल के जो वैद्य रहती है वो टर्न करती है अपनी स्कूटी, चली जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा तक यही सोचती रहती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से ये हुआ। जब वो घर जाती है तो उसका मूड बहुत ऑफ रहता है, तो उसकी मम्मी को लगता है फेल हो गई है, तब इतना मूड ऑफ है, क्योंकि उनको पता रहता है आज रिजल्ट आने वाला है। और शायद इसलिए मतलब जब भी वो फेल होती थी तो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, वो कैजुअली लेती थी। बट शायद इस बार उसको ऐसा लगा, इस बार वैद्य की मॉम को ऐसा लगता है कि वो फेल हुई है तो उसे हर्ट इसलिए हुआ है क्योंकि प्रीति की एक्सपेक्टेशन पे वो खड़ी नहीं उतरी है। और अगर आपको कोई बहुत प्यार करता है और वो आपके लिए इतने एफर्ट्स करता है, तो अगर आप टॉप नहीं कर पाते तो अच्छा नहीं लगता है। तो वैद्य भी अपने रूम पे चली जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।